वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किए कौ छो जीवा वाह शादी है किसी का तलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चलिए गो स्लो सही है देखते हैं आगे क्या है यहाँ तो शादी के लिए सभी आ रहे हैं पूजा वगैरह शायद कुछ होगा तलमा में आपका स्वागत है वेलकम टू तलमा तो आ तो गए लेकिन अंदर कितना जाना है ये कहा आके हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते कहा आ गया बाबा कुछ है भी या नहीं तलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बाबा कहाँ आ गए रे बाबा सच में कुछ 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 देखने को मिलेगा या फिर नहीं और एक किलोमीटर चलो चलते हैं ए जोशीपुर रे हमर गोटे अच्छी नहीं हला सेमती हम देख ना तो फाइनली तलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम पहुंच गए हैं भैया इतना अच्छा है ना कि सच्ची में इतना ही अच्छा है चलो देखते हैं मेहनत का फल अभी दिख रहा है सामने हमें लगा थे कि कोई बस जो ये वही जंगली है वही सामने जाने को देंगे या नहीं हाँ जी गाड़ी का नंबर ओडी 11X4124 एक्स 4124 आकाश पंच रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नहीं कैमरा में बना देंगे
कैमरा है ये भी चले जमा हुआ हाँ 50 रुपया ठीक है देना कितना हुआ 72 गेस्ट हाउस के लिए पहले से बुकिंग करना पड़ता है या कुछ हाँ पहले से बुकिंग करना पड़ता है ऑनलाइन से या ऑफलाइन से भी होगा ऑनलाइन से आपको नंबर मिल जाएगा ठीक है हाँ सेटा मैं सेटा पक्के ही तो मना कर चलो हम लोग को हो गया हेरा पर्ची हमारे नाम का चलिए बेटा इधर तो बहुत कुछ है चलिए चलते हैं पहले यहाँ उधर से आते हैं क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे देख पछाड़ा के किसो कहू चलना की आई लव दलमा चलो फोटो एक खिंचवाते हैं यहाँ पे और देखते हैं है? क्या पता होगा अबे क्या है सो हेलो गाइस अभी हम फिलहाल हैं आई लव दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो अभी हम दलमा में और ये रहा अपना बाइक यहाँ पे डियर से और एलिफेंट्स है और सीधा चलेंगे हम देखते हैं कितना अंदर तक जाता है और चलिए मज़ा आ गया भाई राइड में हाथी का उम्र कितना होगा इसका उम्र कितना होगा गजब है भाई आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दूर में वही नीले सेट के बाद आपको उधर हिरन देखने को मिलेगा जो डियर्स होते हैं शायद 2 सिंगा है
तो जो भी हुआ सही है, ठीक है। दलमा, आई लव दलमा, ठीक है। बहुत ऊपर आ गए हैं लेकिन वी लव दलमा, ओके ठीक है भाई। भाई सिमलीपाल की तरह एकदम मोड़ जोड़ कर रोड है उसमें, मतलब उसमें क्या हुआ, सिमलीपाल में क्या होता है ना, आप बाइक लेके नहीं जा सकते लेकिन यहाँ पे बाइक लेके आ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको एक अलग ही टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आप कंटिन्यू राइड में इससे नहीं आ सकते। सुबह आओगे तो शाम को निकलोगे। बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं लेकिन रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी रिटर्न ही जाना है, आगे जितना रह गया रह गया, और नहीं जा सकते। सिर्फ देख लो, और वही जो देख रहे हो ऊपर शायद वो है, या फिर उससे भी ऊपर। साउंड सुन रहे हो? और नीचे का व्यू अभी यहाँ से नहीं दिखा सकते, बहुत ही डीप है। इससे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके होंगे कितना जाना नहीं हमको कितना ही ऊपर आ चुके हैं। शायद दो तीन सर शायद माउंटेन क्रॉस कर सकते हैं, पहाड़ सिर्फ क्रॉस कर चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे, ठीक है। जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि भैया और कितना दूर है, कितना दूर है, बड़े और दूर है, और दूर है, चले चलो भाई। नहीं होगा हमसे, अभी नहीं होगा, चलो हम नीचे चलते हैं। और जाते टाइम पुलिस वाले से पूछेंगे, फॉरेस्ट वाले गार्ड से पूछेंगे कि कितना दूर है भाई, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथी है, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अपने तो वाट लगा दी, बोले कि यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर मंदिर है। हमको तो जाने में ही हालत ख़राब हो गई, जागे करीबन 7 या 8 किलोमीटर गए होंगे ऊपर, पूरा ऊपर देखें ऐसे, उससे ऊपर उधर भी पहाड़ है, उस तरफ ऊपर जा रहे थे तो करीबन 7 किलोमीटर ऊपर गए। उसके बाद जब सिमलीपाल का जैसा हमारा एरिया है वैसा ही टर्निंग है ऊपर, तो वही चीज़ है। इसके लिए फिर कभी आएंगे, भीतर कॉटेज भी है आराम से, 6,500 में आपको मिल जा रहा है, 600 में मिल रहा है। चलिए सही है। अच्छा दमादार रोड यार, गजब। विंटर लाइनर नहीं है लेकिन अगर होता ना गजब का भगाते हैं यहाँ पे हम। और मेरा जितना भी एनर्जी लॉस हो गया था, अभी लाइट को देख के पूरा एनर्जी रिचार्ज हो चुका है। लेकिन अभी का सीन है फिलहाल कि रिचार्ज होने से कुछ नहीं होता, आपको क्या करना होता है ना, आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही होता है, सही है ना। और हमें पता नहीं कि ये वीडियो हम कितना देर तक खींचेंगे, लेकिन क्योंकि
आपका भाई का जो वीडियो बहुत ही ज्यादा ही लंबा हो रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है ना, इधर ऐसे निकल के आएंगे तो क्या होगा, अभी तो मुझे दिखाई नहीं दिया था। चलिए तो चलिए, जो भी होगा आपको रोड में पता चलता ही रहेगा, चलते हैं। सो जस्ट हम अभी बोड़ागुड़ा का जो टोल गेट है, बोड़ागुड़ा से पहले जो टोल गेट है अभी उसको हम क्रॉस करने वाले हैं। चलिए, और टेम्परेचर अभी सही है, लाइटिंग कंडीशन भी ओके, लेकिन मेरा जो ओराजो का शूज का कंडीशन है एकदम खस्ता है। चलिए देखते हैं कहाँ से निकाले अपने बाइक को। चलिए चलिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा राइड, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन बोड़ागुड़ा का जो आसपास हम पहुंच चुके हैं। ये और हम शायद कहाँ गया ये वाले जी, ये मैं आज चाय पिए थे सुबह। सो गाइस, अभी हम हैं, हालत अपनी पूरा ख़राब हो चुकी है, जो रोड था एक्साइटमेंट वाला, लेकिन इतना चलाने के बाद जो भी जितना भी एनर्जी रहता है वो सब ख़त्म हो चुका है। और बारी पता है यहाँ से बचा हुआ है 60 किलोमीटर, 60 ओनली 60। ठीक है, कहीं पे यहाँ पे पार्क करते हैं, थोड़ा चाय फाय पीते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। चलिए यहाँ पे लाइट जल रही है, अभी अब मेरा हालत खराब हो जाता। गॉड, संबलपुर 3 9। चलो, बॉम्बे बॉम्बे।